एंट्री कर लिया हिमालयन माउंटेनियरिंग हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल कपड़ों में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सो कुछ ऐसा है ये, और ये लिखा है ब्लैक बियर रेड पांडा। सो दिस इज द वे फॉर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। ये है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसको अभी हमने सिर्फ नेट पे देखा था। सो अंदर से कुछ इस तरीके का है। और काफी यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस भी कर सकते हो लग रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेट चार्ज है जिपलाइन वगैरह के लिए, कपल के लिए, कप ग्रुप ऑफ 5%। सो ये रहा रास्ता ऊपर म्यूजियम की तरफ जाने का, तो चलते हैं थोड़ा। इधर से अच्छा लग रहा है ओली। सो दिस इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, और एक ये यहाँ पे एक स्तूपा बना हुआ है छोटा सा, और हिस नवांग गोम्बू जिनके यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। द वर्ल्ड रिनाउंड माउंटेनियर हु हैव द फर्स्ट मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। भाई साहब बहुत अच्छी बात लिखी गई है। सो एक्चुअली क्या है कि मुझे प्यास लगी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीने का पानी है। और इस पीने वाले पानी की एक बात मैं बता दूँ, फुट ऑपरेटेड, यानी जब आप इसको पैर से चलाएंगे। तो थोड़ा सा दिखाता हूँ हल्का सा, कुछ ऐसा हल्का सा ये चलेगा पानी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है लाइफ में, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पैर आपको करना है ऐसे फिर पानी आएगा। हमारे शहर में होता है कि हाथ ऐसे करो पानी आता है, यहाँ तो पैर ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ तो पानी पीना बनता है भैया। अच्छा, मैं We kept them there in HMI, inside the HMI area. Okay. And we kept them occupied for 2.5 months. Participants were from all over India, pan-India, and all age group. And we used to conduct their yoga, Zumba, in the corridor only. Okay. When the whole country was facing COVID and we all are facing a COVID scenario, lockdown, we kept them here for 2.5 months, 2.5-3 months for them. और डेली उनका रिज्यूम बना के रखता कि दे आर मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, अदरवाइज डोर बंद करके क्या होगा, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, ऐसी होती है। तो कीप देयर मोरल अप। फिर दूसरा, इट्स अ फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज। एवरेस्ट इज अ हाईएस्ट पीक, टॉलेस्ट पीक ऑन दिस अर्थ, लेकिन थोड़ा बजट भी एक इशू रहता है। बजट अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो आज के इसमें एवरेज को क्लाइम करने के लिए नेपाल से करीब करीब 25 लाख का खर्चा है। हाँ, 25 लाख का। तिब्बत साइड से थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन यू नो लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, तो अभी परमिशन इतना आसानी से वही तो 25 लाख रुपीज थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देयर आर वेज, देयर आर पैशन, देयर आर स्पॉन्सर हु डू स्पॉन्सर ऑल दिस काइंड ऑफ एक्सपेडिशन। तो वहाँ से लोग स्पॉन्सरशिप लेके जाते हैं। अच्छा, और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी जाते हैं। लेकिन वैसे इंडियन गवर्नमेंट तो हेल्प नहीं करती है। नहीं नहीं, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करती है, लेकिन उसके लिए पहले क्रेडेंशियल होना चाहिए। पीपल शुड हैव सम क्रेडेंशियल। सो चलते हैं अब ऊपर की तरफ। वी फाइनली रीच्ड दिस इज म्यूजियम। चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ। ये है यहाँ पे एडम हिलरी की एक मूर्ति बनाई गई है। टेंजिंग और हिलरी ने फर्स्ट बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया था। हैंड करंट पर मानना पड़ेगा इनको।
एक्चुअली यहाँ का जो हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट या फिर ऊपर का जो म्यूजियम था, हालांकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है माउंट एवरेस्ट पे, क्लाइंबिंग के से रिलेटेड काफ़ी सारी हिस्ट्री के बारे में बताया गया। तो HMI तो हो गया, तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे चिड़ियाघर घूमते हैं और वो भी दिखाते हैं आपको। सो दिस इज़ द वे फॉर चिड़ियाघर। सो ये रहा लेपर्ड जो कि शांति में सोया हुआ है। एक छोटा सा जहाँ पे पीकॉक्स वगैरह हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है। ये सुंदर सुंदर पीकॉक्स, तो ये है चिड़िया घर। तो हालांकि देखा जाए जब मकाऊ वगैरह पैरट वगैरह, इसके अलावा काफ़ी अच्छी अच्छी लग रही है ना। ये बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि अभी यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। कैसा लगा राहुल? बढ़िया बढ़िया, हालांकि म्यूजियम ठीक था, एवरेज था। सो चल रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ। वुल्फ है ए? ये रात यहाँ का जूलॉजिकल पार्क, हालांकि ठीक है, अच्छा है, अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो आके घूम सकते हैं। वैसा ही है चिड़ियाघर जैसा और जगह पे होता है, तो ओवरऑल एक यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा हमारे लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। सो हमने यहाँ पे घूमा HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, उसके अलावा यहाँ का जू, दोनों की दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी हमें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का बोर्ड, और बाहर का भी ये जो चीज़ें बना रखी इन्होंने काफ़ी अच्छा लगता है हालांकि। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।